बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। कृष्णायो वासुदेवायो हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की बहुला गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। बहुला चतुर्थी व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ के रूप में मनाया जाता है। इसे संकष्टी गणेश चतुर्थी के रूप में भी माना जाता है। यह तिथि भगवान श्री गणेश जी की परम प्रिय तिथि है। बहुला चतुर्थी का व्रत संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा, संतान के ऊपर आने वाले कष्ट के निवारण, संतान की लंबी आयु व संतान की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत में गौ माता का पूजन तथा मिट्टी के सिंह की प्रतिमा बना करके उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ था, तब उनके सहायक के रूप में देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर के अवतार लिया था। गो शिरोमणि कामधेनु में बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला से और बहुला का भगवान से अपार स्नेह था। बालक श्री कृष्ण को देखते ही बहुला के स्तनों से दुग्ध धारा बहने लगती थी। श्री कृष्ण भगवान बहुला के उस दुग्ध का पान किया करते थे। एक बार श्री कृष्ण बहुला की परीक्षा लेने के विचार से जब बहुला वन में घास चर रही थी, तो उसके सामने सिंह रूप में प्रकट हो गए। बहुला सिंह को देख करके भयभीत हो गई और कांपने लगी, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, अतः आप मुझे जाने दो, मैं उसे दूध पिला करके आपके पास जरूर आऊंगी, तब मुझे खा करके अपनी भूख मिटा लेना। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं, तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य ही आपके पास लौटूंगी, वापस आऊंगी। बहुला की शपथ पर विश्वास करके सिंह ने बहुला को जाने दिया। बहुला गाय अपने बछड़े को दूध पिलाकर अपने वचन की रक्षा हेतु सिंह के पास आ गई। बहुला की सत्य निष्ठा को देख करके भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर के कहने लगे कि हे बहुले, तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गई हो। अब से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख प्राप्त होगा। बहुला भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घर को लौट आई और अपने बछड़े के साथ आनंद पूर्वक निवास करने लगी। बहुला गणेश चतुर्थी की एक और कथा आती है। किसी ब्राह्मण के घर में बहुला नामक एक गाय थी। बहुला का एक बछड़ा था। बहुला को संध्या समय में घर वापिस आने में देर हो जाती तो उसका बछड़ा व्याकुल हो उठता था। एक दिन बहुला गाय घास चरते हुए अपने झुंड से बिखर गई और जंगल में काफी दूर निकल गई। जंगल में वह अपने घर लौटने का रास्ता खोज रही थी कि अचानक उसके सामने खूंखार सिंह आ गया। शेर ने बहुला पर झपट्टा मारा, तब बहुला ने उससे विनती करने लगी कि एक छोटा सा बछड़ा सुबह से उसकी राह देख रहा होगा, वह भूखा है और दूध मिलने की प्रतीक्षा कर रहा होगा, आप कृपा करके मुझे जाने दो, मैं उसे दूध पिला करके वापिस आ जाऊंगी, तब आप मुझे खा करके अपनी भूख को शांत कर लेना। सिंह को बहुला पर विश्वास नहीं था कि वह वापस आएगी। तब बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ ली और सिंह को विश्वास दिलाया कि वह वापस जरूर आएगी। अब सिंह ने बहुला को उसके बछड़े के पास वापस जाने दिया।
बहुला शीघ्रता से घर पहुंची, अपने बछड़े को शीघ्रता से दूध पिलाया और उसे बहुत प्रेम किया। उसके बाद अपना वचन पूरा करने के लिए सिंह के समक्ष जाकर के खड़ी हो गई। उस शेर को सामने आता देख करके बहुत हैरानी हुई। बहुला के सत्य वचन के सामने उसने अपना सिर झुकाया और खुशी से बहुला को वापस घर जाने दिया। बहुला कुशलता से घर लौट आई और प्रसन्नता से अपने बछड़े के साथ रहने लगी। तभी से बहुला चौथ का यह व्रत रखने की परंपरा निरंतर चली आ रही है। बहुला चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। यह व्रत चंद्रोदय से चंद्रोदय अर्थात तृतीया के चंद्रोदय से प्रारंभ करके चतुर्थी के चंद्रोदय को इस व्रत का पारणा करना चाहिए। इस व्रत में चतुर्थी के चंद्रोदय पर गौरी गणेश, भगवान योगेश्वर, श्री कृष्ण एवं बछड़े सहित गाय की व बछड़े की मिट्टी से बनी सिंह की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अलावा भगवान श्री गणेश जी का पूजन करके चतुर्थी के चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस व्रत में गाय के दूध से बने खाद्य पदार्थ का बिल्कुल भी सेवन नहीं किया जाता है, न ही इनका भोग लगाएं। अनेक प्रकार के पकवान बना करके या सत्तू पपड़ी का भोग लगाएं और गौ माता को खिलाएं। लड्डू बनाएं, बाफले बनाएं, दाल बाटी बना सकते हैं, चूरमा बना सकते हैं। उसी प्रसाद से सभी ब्राह्मणों को प्रसाद बांटे, कथा श्रवण करके ब्राह्मण को भोजन कराएं, ब्राह्मण को दक्षिणा देकर के ब्राह्मण को प्रसन्न करके आशीर्वाद लेकर के उसी प्रसाद से स्वयं भोजन करें। पूजन के बाद भगवान से अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बहुला चतुर्थी व्रत कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव सत्य का आचरण करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य प्रतिज्ञ होना चाहिए तथा सद्मार्ग पर चलना चाहिए तथा अनाथों की रक्षा करना चाहिए, सत्य की स्वधर्म की रक्षा करनी चाहिए। सत्य से ही दुनिया कायम होती है और सत्य में ही ईश्वर का वास माना गया है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्रों की रक्षा के लिए करती है या संतान प्राप्ति के लिए करती है। बहुला चतुर्थी के दिन गाय के दूध से बनी हुई कोई भी सामग्री नहीं खाना चाहिए। दिन भर व्रत करके संध्या के समय भगवान कृष्ण शिव परिवार सवत्सा गो की पूजा करने से अपार धन ऐश्वर्य और संतान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अन्य समस्त व्रत करते हैं उन्हीं सभी नियमों का पालन करते हुए बहुला गणेश चतुर्थी का व्रत आपको करना चाहिए। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गजानंद गणपति भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप बहुला गणेश चतुर्थी के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, नगद राशि देना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, गौ दान देना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य यदि आप बहुला गणेश चतुर्थी के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके बहुला गणेश चतुर्थी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।